हे फैम, सो आपने जैसे पहले वाले पार्ट में देखा ही देगा, हम लोग कॉफी पीने गए थे कैफे कॉफी डे में, बहुत पोपट हो गया था, बहुत बेकार कॉफी थी। छोड़ो वो सब वो पार्ट में भी चले गया। अभी हम यहाँ आ चुके हैं आश्रम में। सो आश्रम में जा रहा हूँ अभी मैं। ओह, जय रुकना जी, दिस इज हमारे केडी बना माय चाइल्डहुड फ्रेंड। अभी तो बच्चे के पिता बन चुके हैं, बहुत ही गर्व फील हो रहा रहेगा आपको। बिल्कुल। तो हमें मिठाई कब खिला रहे हो फिर आप? आओ पहले दातर प्रसाद ले लो। दातर प्रसाद तो लेंगे हम। सो अभी हम अंदर चलते। चेप क्या टाइम का है उतना। सो जूता उतारने का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है यहाँ पर, पूरा पब्लिक एंड क्राउड बहुत है। मैं अंदर आपको बताता हूँ, पहले जूते उतार देता हूँ यहाँ पर। सुमी, चप्पल चोरी तो नहीं हो गए ना? नए जूते मेरे 2000 रुपये चले जाएंगे। मेरे 2000 के सवाल है हुए तो मैं तेरे से लूंगा। ये काम तो क्या जल्दी ना करे। जो कन्याएं यहाँ सेवा में सहयोग कर रही है उनके लिए तो नहीं थी आप कैसे? ये काम सुनते जल्दी हो आप प्रतिष्ठा दिया बाद में मैंने सुबह जल्दी 4 और 5 के बीच में स्नान होता है वो ऋषि स्नान होता है 5 और 6 के बीच में स्नान होता है वो मानुष स्नान होता है 6 और 8 के बीच में स्नान होता है। तो अभी मैं खाने बैठा हूँ। खाने में आमरस है, रसगुल्ला है, गट्टे की सब्जी है, मिक्स सब्जी है, पूरी है, रोटी है, काटा है और परसान है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है यहाँ पर, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे है बैठ के। सो अभी मैं चला खाने, बाकी आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी मैं खाना खा के आया, सुमी ने कॉल किया बोलते चलते घर पे, मेरे बोला अभी खाना खाया वहाँ बैठते। मैं अंदर भी गया था, मंदिर वंदिर देख के आया, पूरा काम चालू था और अच्छा बना हुआ है। मैंने कभी वीडियो लिया नहीं, मैंने सोचा मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा मंदिर पूरा, मतलब मैं उसको बुला रहा है ठीक है। सो अभी हम लोग देखते क्या करते हैं आगे, अंदर जाके बैठेंगे देखेंगे क्या चल रहा है या फिर हम लोग घर पे जाएंगे, जैसा भी देगा आप देखते आगे। ये भोजन उठने से मुझे याद आया, सुमी 11 बजे उठती है डेली। सुमी को तो बनाने ही नहीं आता, मुश्किल से बना के लेट बनाती है आई थिंक। जस्ट अभी मैं और सुमी वहाँ से बाहर आए, अभी हम घर पे जा रहे थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि बैठे बैठे गर्मी हो रही थी और खाना खा लिया ना, तो खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत आलस आता ही है, ट्राई करें कितना फिर भी आलस आता ही है। हाँ सुमी, ये क्या कैसे कैसे घूम रही, कैसे चल रही? अरे बहुत धूप ही है ना, घर पे जा रहे ना। वैसे उन्होंने प्रवचन बहुत सही दिया तेरे लिए, लेट उठते हो 8 बजे, खाना नहीं बनाते हो, सब लोग यही करते, सब गर्ल्स यही करती है। उन्होंने उनकी मम्मी ने उनको सिर पे चढ़ा के रखा है ना जोजो को, वो जैसे कि हमारी डंबलडोर, वो कितने बजे उठती है? सुबह 1 बजे उठती है और दोपहर को उसका दोपहर में सुबह होती है और सोती कभी रात को 3 बजे। माँ ने उसको सिर पे चढ़ा के रखा अपन लोग ने, क्या करे लाडली है ना। कोई ना, तू जलना मत, तेरे ससुराल वाले थे वो जल्दी उठाएंगे। अरे 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 अरे, अरे हम घर जा रहे, घर पे जाएंगे रेस्ट करेंगे, शाम को आएंगे, शाम को मिलते हैं। अभी हम सो के उठे हैं, निकले हैं घर से। सुमी हमें रील शूट करनी है, हमें अंदर नहीं जाना है मंडप में, हमें से बाहर रील शूट करनी है, फिर हम वहाँ जाएंगे लेडीज जेंट्स, फिर वहाँ देखेंगे अपन। तो यार अपने को रील शूट करनी है सिर्फ। तो हम अभी जस्ट नाश्ता वास्ता करके निकले हैं, नींद पूरी की है दोपहर की, अब देखते हैं रात को नींद आती है कि नहीं, वो रात का देखते। अरे लोग बहुत दूर से मतलब ट्रेवल करके आए और सोए नहीं थे रात। बादल देख कितने अच्छे पीछे बादल। चल रील शूट करते थोड़े बहुत। भरत चा दिखे, अरे भरत चा के गैंग भी है साथ में, छोटे छोटे गैंग भी है। किधर से आ जाते भरत शाह के गैंग लोग, दिख रहे नहीं है मेरे को, अच्छा है ना, मर्डर हो जाएगा उनका। अच्छा दिखे नहीं है मुझे, दिखे तो मर्डर हो जाएगा उनका, गैंग दिखा था यहाँ पर अभी छोटा छोटा। ऑल इन वन भोलेनाथ शंकर भगवान की एक सुंदर वंदना, बड़ी प्राचीन वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ।
बाकी जो भारती जी पब्लिक कितनी आ रही है अभी, मतलब रात के 11:30 बज रहे हैं और फिर भी पब्लिक वहाँ पर लाइन लगी हुई है प्रसादी के लिए और इतने भजन में, मतलब क्या 5,000 मतलब अभी इतनी है रुकी हुई है, 10,000 प्लस है, 10,000 से ज्यादा है, इतने बजे भी मतलब पूरे दिन में तो इससे डबल होती है, पूरे दिन में तो बहुत ही डबल, मतलब इतनी पब्लिक है ना यार, सही में यार बहुत मजा आ गया, बहुत ही अच्छा काम किया, लाइक हमारे दादा के दरबार में जहाँ हमारे ऐसा लग रहा है पहली बार वो अच्छा काम किया यहाँ आके, वरना मस्त गोवा जाने वाला था, अच्छा वो प्लान कैंसिल करके यहाँ आया, तो बहुत अच्छी चीज देखने मिली यहाँ पर समाज के लोगों में। हम लोग ब्लॉग कल सुबह शूट करेंगे, अभी हम जा रहे सोने, बहुत थक चुके हैं, हालत खराब है, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में।